टाइम्स मीडिया दिव्य टी आसाम ग्रेस टी 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग दिव्य टी आसाम ग्रेस टी। श्री परम ज्योति पवित्र आरोग्य मुक्ति वरदान की 64,000 पूर्णिमा दीक्षा की आज की इस चौथे दिन की प्रक्रिया में मैं आत्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते। यात्रा करते करते आज हम प्रक्रिया के चौथे दिन चौथे भाग में आ चुके हैं। कई सारी अनुभूतियां आप लोग प्राप्त कर रहे हैं और परम ज्योति जो ये संकल्प लिए हैं सभी के लिए पूर्ण भी कर रहे हैं। हर एक वर्ग का हर एक क्षेत्र का व्यक्ति इस स्थिति को आज प्राप्त कर रहे हैं। अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ छोटा बड़ा हर व्यक्ति देश का परदेश का व्यक्ति इस मुक्ति को पाने के लिए आज प्रयत्नशील है। ऐसी इस मुक्ति की स्थिति को 52 प्रकार की स्थितियों के रूप में आज जीवन मुक्त लोग अनुभव कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनमें से कुछ स्थितियाँ जो हम सभी भी अपने जीवन में मुक्ति के पश्चात अनुभव करने जा रहे हैं। अतीत की कोई कहानी नहीं, कोई भी कहानी तत्काल नहीं बन रही है। रिश्तों में जुड़ी समस्याएं नहीं, कोई दुश्मन नहीं, दूसरों को बदलने का कोई प्रयास नहीं, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं कि वे जो भी हैं उससे अलग तरीके के हों। तो ये अलग अलग स्थितियां आज हम सभी भी अपने जीवन में प्राप्त करना है और एक आनंद मंगलमय ऐसी जीवन को जीना है। तो प्रक्रिया के इस अगले भाग में अगले विषय में जाने से पहले यहां पर एक भक्त के अनुभव हम बताते हैं। ये लड़की है जो अपने भाई माँ और भाभी के साथ रहती हैं। इस लड़की को पता है कि इनकी भाभी को ये जरा सा भी पसंद नहीं है और इस चीज को जब भी वो सोचती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। जब मुक्ति की प्रक्रिया में वो इस साधना को कर रही थी तब वो परम ज्योति को पूछती हैं, क्या कारण है जो हमारी भाभी हमें इतना नफरत करते हैं, हम जानना चाहते हैं परम ज्योति हमें ज्ञान दीजिए। तब परम ज्योति बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाते हैं कि क्या हुआ है इनकी तरफ से। जब भाई और भाभी की शादी हो जाती है तो उनके साथ ये ननंद और सासुमा दोनों साथ में रह रहे हैं। दोनों भी ननंद का और सासुमा का स्वभाव थोड़ा कठोर है, रूढ़ है और इसीलिए बहू के ऊपर दोनों मिलकर रोम चबा रहे हैं। कभी भी इस बहू को आराम से बैठने नहीं दिया, पति के साथ समय बिताने के लिए नहीं मिला, एक प्रकार की असुविधा को वो बहू सतत अनुभव करती थी। और ये जो भी इनके साथ हो रहा था इसके वजह से धीरे 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 इस भाभी के भीतर ननंद के प्रति कटुता आने लगती है। वो सामने भी आ जाए उसके बारे में कोई कुछ कहने भी लगे तो भाभी तुरंत भड़क जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। तो ये सारा परम ज्योति इस लड़की को दिखाते हैं कि इनकी असंवेदनशीलता इनके अंदर का ये कठोरता आज इनके जीवन में ही दुख प्रदान कर रहा है। इनको बार बार ये एहसास होता है कि कोई है जो हमें पसंद नहीं करता है। आज इन प्रक्रियाओं के वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अंदर अपने सत्य को देखना शुरू किए हैं, दूसरे के भीतर क्या हो रहा है वो भी अनुभव करना शुरू किए हैं। तो ऐसे इस अनुभव को पाना है तो हमें हमारी अंतरंग की गहराई में और एक बार डुबकी लगाना है और गहरा जाना है। अब देखते हैं आज के विषय। हम सभी भी आमतौर पे अगर कोई कुछ मदद करता है तो उन्हें तुरंत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच ये कहने का
आज एक अच्छा एक सिलसिला शुरू हुआ है। आमतौर पे हर व्यक्ति के मुंह में थैंक यू ये वर्ड कहते हुए लोग अब नजर आते हैं। ध्यान में रखिए, कृतज्ञता ये कोई शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र मंगल ऐसी भावना है। जहां पर भी ये भावना रहती है वहां पर कई मंगल भावनाओं का वास होता है, और आज ऐसी ये भाव कई सारे लोगों के भीतर जागृत हो रही है। दुर्भाग्यवश मनुष्य के भीतर और एक सहज भाव बहुत ही अधिक प्रबल रूप में जागृत है, और वो है कृतज्ञहीनता की भावना। जहां पर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद देना नहीं चाहते, और ऐसे वो लोग हम स्पष्ट रूप में उनके बारे में देख सकते हैं कि वो कितने नीचे स्तर के चैतन्य के हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द नकारात्मक भावनाएं ही नजर आएंगी। आमतौर पे इस प्रकार के लोग जो कृतज्ञहीन हैं, हर परिस्थिति को हर घटना को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी अरे उसमें क्या है, अपना ही है, चलता है, इस प्रकार से उस चीज के प्रति उन्हें बस मेरा है ना, जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं कर लूंगा। चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे आप खाने पीने की वो वस्तु हैं, कोई जानवर है, कुछ भी है आपसे संबंधित, अगर वो कुछ भी है तो आप बस उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ऐसी इस परिस्थिति में आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि जो भी हो रहा है उनके वजह से हो रहा है। सभी लोगों के सामने वो अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। मेरे वजह से घर चल रहा है, मैं पैसा कमाता हूँ तो सब कोई को सब कुछ मिल रहा है, मेरे वजह से आज मेरा बेटा इतना आगे बढ़ा। इस प्रकार का एक भाव जो भी है मेरे वजह से है, ऐसा इनके भीतर रहता है। क्या है कृतज्ञहीनता? कृतज्ञहीनता यानी आपके अंदर वो भावना जहां पर आप समझते हैं कि सब कुछ आपके वजह से हो रहा है। और फिर क्या है कृतज्ञता की भावना? कृतज्ञता की भावना यानी जहां आप महसूस करते हैं कि सबके वजह से आज मेरा जीवन चल रहा है। जी हाँ, हम तो हमारे पिता को माँ को बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, उनके चरण भी धोते हैं, उनको दवा दारू देते हैं, उनकी मन से सेवा करते हैं। हमारा तो माता पिता के प्रति बहुत सारा कृतज्ञता भाव है। आप जो बोल रहे हैं ना वो एकदम सही है। जो भी आप कर रहे हैं बाहरी रूप में, ये मन की एक चाल है। मन आपको कभी प्रतीत ही होने नहीं देगा कि आपके अंदर कृतज्ञहीनता है, न कि आभार की भावना। कई बार हम लोगों से सुनते हैं, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, अरे जो उसने मेरे साथ किया है ना, जो कष्ट जो दर्द उसने मुझे दिया है मैं कभी नहीं भूल सकता। देखिए, उन्होंने जो कष्ट दिया वो आप कभी नहीं भूल सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने कभी याद किया उन्होंने जो जो भी आपको मदद किया है, सहयोग किया है, सहानुभूति दिया है, वो कभी याद रहता है? आपने जो दूसरों के लिए किया अच्छे से अच्छा चीज, वो आपको एकदम याद है, लेकिन आपने भी तो किसी न किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशानी दी है, क्या ये कभी आपको याद रहता है? तो यही है मन का खेल। आप मन की जेल में फंसे हुए हैं और आप इसके प्रति सचेत भी नहीं हैं कि आपके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है। कितने हम कृतज्ञहीन हैं ये हम नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज द मदर ऑफ ऑल फीलिंग्स। कृतज्ञता की भावना ये सभी भावनाओं की माँ है, ये सभी भावनाओं की नींव है, हमारे सबके जीवन की नींव है। जहां ये कृतज्ञता का भाव ओतप्रोत भरा हुआ है वहां सब कुछ मंगल अपने आप आता है। इस प्रकार के अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छी घटनाएं आपके साथ होंगी, भगवान की कृपा भी हर परिस्थिति में आपको मिलती रहेगी। जो कृतज्ञता को व्यक्त करता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसे अपने आप मिलने लगता है। ऐसे ये अतिशक्तिशाली पवित्र भावना है कृतज्ञता की भावना। आज सुबह जब आप उठे
गरम-गरम चाय आपने पिया। थैंक यू कह देते हैं उस सामने वाले व्यक्ति को जिसने चाय लाके दिया। क्या लगता है उन्होंने चाय लाई है, उन्होंने खेत में उगाई है, उन्होंने पार्सल की है, उन्होंने पैकिंग की है, उन्होंने बेची है? नहीं। एक कप चाय का प्याला आपके हाथ में अगर आना है तो लाखों लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। वो चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, माचिस, सिलेंडर, कप, बर्तन, कितनी सारी चीजें हैं जो चाय बनाने के वक्त में हम प्रयोग में लाते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो चाय कैसे बनेगी? दूध वाला सुबह जल्दी उठ जाता है, गाय है, भैंस है, उनको धुलाना, उनको साफ करना, दूध निकालना, पैसा है नहीं है उस गाय की सेवा करना, उसका दवा दारू करना और वो दूध निकाल कर आपके घर तक लाकर पहुंचा देना। अगर इस प्रकार से एक एक चीज के बारे में अगर हम सोचने लगेंगे तो फिर बताइए क्या ये सब कुछ आप करके उसके बाद में एक प्यारी चाय पियोगे? लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे जीवन में हमको एक एक कदम उठाने के लिए मदद करता है। बगैर दूसरों के हम नहीं हैं। अगर वो नहीं तो हम नहीं, ये हम जानेंगे तभी ही हम समझना है कि हम कृतज्ञता को महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता की भावना कभी कभी आती है मन में, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट तक वो भाव भीतर रहता है और जब वो भाव अंदर है, थैंक यू हम दिल से कह रहे हैं तो वो एकदम सत्य है। और उसके बाद पांच मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जैसे चल रहे हैं वैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसी वो भाव जो हमारा एक जन्मजात गुण होना है वो आज हम खो चुके हैं। इतना हम अपने आप के ऊपर केंद्रित हो गए हैं, मैं कर रहा हूं मेरे वजह से हो रहा है, इस भाव में, कृतज्ञहीनता की भाव में हम जी रहे हैं। तो ऐसी ये मंगल पवित्र भावना हमारे जीवन में अगर जागृत होना है तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कई बार हम अकेला अकेला महसूस करते हैं, सबसे अलूफ हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में सामने वाले को धन्यवाद दिया ही नहीं या देना चाहते नहीं, क्योंकि उनको वो लगता है कि मैंने ना किया है, उन्होंने क्या किया मेरे जीवन में। ऐसे लोग हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा जो बस खुद ही को भाव दे रहा है और सामने वाला कोई है ही नहीं उनके लिए। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अगल बगल में जो अंतिम यात्रा में लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, अरे बेचारा बहुत अच्छा था, बहुत ही हंसमुख था, सबको मदद करता था, कितना उसके अंदर प्यार था, आया हुआ जितना भी हुजूम है, सब जितने भी लोग हैं सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान था। लोग आते हैं और चले जाते हैं। जब लोग आपके साथ जी रहे हैं अगर उस वक्त में उसकी उस महानता को हम धन्यवाद देते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसको महत्व देते हुए अगर व्यक्त करें तो शायद जीते जी वो बहुत खुशी से जी लेगा। इंसान के जाने के बाद हम उसके गुणगान गाने से, उसको कृतज्ञता देने से कुछ पहुंचने वाला है उस तक? नहीं। आज इसीलिए लोगों के जीवन में ये अकेलापन है, वो देना नहीं चाहते या दे नहीं पाते और इसीलिए वो अकेले हो जाते हैं। रोज घर में नल में पानी आता है, आपको कहीं जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं है और बहुत आराम से उस पानी को आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अचानक एक दिन पानी आया ही नहीं तो क्या कीजिएगा? तब उस पानी की कीमत हमें पता चलती है कि पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। आज बिल्कुल उसी प्रकार से व्यक्ति जाने के बाद उसके प्रति अफसोस करके फायदा नहीं है। जब लोग हमारे साथ हैं तब उन्होंने की हुई योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना है, तभी ही हर बार लोग हमारे साथ रहेंगे, उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हमारा ये जो परिवार है एक खुशहाल परिवार बनेगा। अगर इस बात को आप समझ पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं तो ध्यान में रखिए कल जो मुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है आप तुरंत मुक्ति प्राप्त करेंगे।
कि आपके भीतर अगर आप ले पाते हैं बढ़िया से, तो आपको कल मुक्ति जरूर मिलेगी। पूर्णिमा दीक्षा का कल अंतिम यानी पांचवा दिवस है, जहां पर चंद्रमा में परम ज्योति उपस्थित अपनी मुक्ति की आशीर्वाद को आप सबको देने जा रहे हैं। कृतज्ञता की भावना ये सर्वश्रेष्ठ भावना है, और वो भावना मुझ में नहीं है, आज यही आपको अपने अंतरंग में जाके अभ्यास करना है, चिंतन करना है, उसे महसूस करना है। तो अधिक बात अब करेंगे नहीं, अब प्रक्रिया में जाने का समय है, अपने अंतरंग में झांक कर देखने का, चिंतन मनन करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते नमः। मन ही मन परम ज्योति से प्रार्थना कीजिए, कैसे सभी लोग जो आपके करीबी हैं, जो आपको जानते हैं, वो सतत आपको मदद किए हैं, ये आपको परम ज्योति दिखाना है। आंखें बंद रखेंगे, मेरा अस्तित्व है, आज उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं। देखिए इसे, अब ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर और गहराई में झांक के देखिए। सब लोग आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कृतज्ञता की भाव नहीं है। कईयों ने आपको मदद किया, लेकिन आपने उनको कभी धन्यवाद व्यक्त नहीं किया, आभार दिया नहीं। आपके करीबी रिश्तों में वो कौन कौन लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा मदद किए हैं, लेकिन आपने उनको धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उनको चोट पहुंचाया है। हमारी कृतज्ञहीनता के कारण सामने वाले के ऊपर क्या बीती है, अगर ये जानना है तो हमें उस व्यक्ति के भीतर ही जाना है, और तभी ही हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि कितना कष्ट उनको हुआ होगा। इतना मदद करने के बाद कीजिए प्रार्थना परम ज्योति से कि आपको उस व्यक्ति के भीतर डालें और वो अनुभूति दें, ताकि आप उन्हें उनकी की हुई मदद के लिए आभार व्यक्त कर सके। आज आप मदद के बदले में धन्यवाद दे नहीं पा रहे हैं ना, वो देने की शक्ति मुझ में आ सके, हमें उसके अंदर डालिए भगवान, महसूस कराइए उसके दर्द को।
अब ऐसे ही धीरे से शरीर को ढीला छोड़ देंगे, शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटते हुए जो भी आपके भीतर हो रहा है उसे अनुभव करेंगे, उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे। जीवस्य विमुक्तिः एतस्मात् और उनसे आशीर्वाद मांगिए मुक्ति के लिए, कल की शक्तिशाली आशीर्वाद के लिए। Oh,
अपने स्थान पे उन्हें प्रणाम करेंगे और धीरे से अपनी जगह पे उठ के आंखें खोल के बैठेंगे। जय बोलो मुक्ति प्रदाता परम ज्योति की जय हो। कृतज्ञता भाव प्रदाता परम ज्योति की जय हो। ऐसे एक मंगल भाव को अपने भीतर आप में से कई लोग महसूस कर पा रहे होंगे। अगर कृतज्ञता भाव महसूस नहीं भी हो रहा है तो कम से कम हम सचेत तो हो गए कि हम कृतज्ञहीन हैं और यही अति महत्वपूर्ण है। जब हम पहचान जाएंगे अपने अंदर की इस कमी को, तभी ही हम भगवान से मांग पाएंगे उस कृतज्ञता की भाव को कि कल की 64,000 मुक्ति दीक्षा के समय में उस चंद्रमा से आप आकर के परम ज्योति मुझे मुक्ति का आशीर्वाद दीजिए। ऐसी इस मंगल प्रक्रिया के बाद अब आपको पूरे रात तक और कल पूरा दिन तक इस साधना को अपने भीतर चिंतन करना है। मूल मंत्र का जाप उसकी साधना छोड़ेंगे नहीं, जरूर करना है। साथ ही साथ कल के दिन के लिए आपको छोटी सी तैयारी करना है। पिछले बार भी आपने इस प्रक्रिया में भाग लिया है, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके लिए हम पुनः एक बार बताएंगे। कल परम ज्योति की चंद्रमा के द्वारा शक्तिशाली ऐसी एक मुक्ति आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रही है। इस बीच परम ज्योति को आरोग्य के लिए वरदान देने के लिए हम आवाहन करेंगे जल से भरे हुए लोटे में, जिसकी तैयारी आप करके रखना है। एक साफ सुथरे कपड़े के ऊपर, टेबल के ऊपर आप कोई भी पूजा का लोटा रख सकते हैं, बड़ा लोटा या गिलास रख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होना है। कोई भी एक फूल इस पूजा के दरमियान आप अपने साथ रखेंगे। इस प्रक्रिया में आने के पहले आप सुबह ही सर से नहा लीजिएगा। प्रक्रिया के पहले अच्छे से मुंह हाथ धोकर तैयार होके आपको बैठना है, उसी तपन के साथ कि मुझे आरोग्य पाना है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आरोग्य का जो भी आप कल संकल्प लेने वाले हैं, इस पूरे मंथन के बाद उस वरदान को लेने वाले हैं, तब उस आरोग्य के लिए सबसे पहले आप आशीर्वाद पाएंगे। उसके बाद में परम ज्योति की आशीर्वाद को आपको प्रदान किया जाएगा। तो कल एक लोटा या गिलास में पानी को भर के उसके नीचे एक छोटी सी थाली रखेंगे जहाँ पर हम परम ज्योति का आवाहन करेंगे उस लोटे में, और उसके बाद उसी जल को हम प्रसाद के रूप में, दीक्षा के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रक्रिया के अंतिम भाग में आप चंद्रमा की दर्शन करने वाले हैं, तो उस वक्त में आप अपनी थाली में एक दीप और कुछ पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इस प्रकार की सामग्री को व्यवस्था करके रखना है। प्रक्रिया के अंतिम भाग में चंद्रमा की पूजा करते हुए फिर आप परम ज्योति को, अपने ईश्वर को उनमें देखते हुए उनसे मुक्ति के आशीर्वाद पाएंगे। तो इस सारी तैयारी के साथ पुनः हम कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। कल की प्रक्रिया पूरे 1 घंटा चलेगी, 5 बजे से 6 बजे तक। तो समय से पहले तैयार हो जाइए, फिर मिलेंगे कल 64,000 पूर्णिमा दीक्षा के लिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। दिव्य टी आसाम ग्रेस टी 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दिव्य टी आसाम ग्रेस टी। Times Media.